सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग WHRB, WHRS और HRSG इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली उसको हम लोग समझेंगे। जब कभी भी ये वर्ड बोला जाता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन सभी का पर्पज़ क्या है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, कि बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग WHRB, WHRS और HRSG इन तीनों में डिफरेंस को देखेंगे। WHRB का मतलब होता है वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, ओके। और WHRS का मतलब होता है वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। और HRSG का मतलब होता है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, ठीक है। तो इन सुनने में लगभग लगभग सेम लग रहा है, वेस्ट हीट जैसा ही कुछ कुछ सुनने में लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ डिफरेंस है। देखिए, इसका पर्पज़ के अगर बारे में बात करें तो इन तीनों का पर्पज़ लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, ओके। तो पर्पज़ इनका, पहले हम लोग इनका डिफरेंस देखने से पहले हम लोग इसको थोड़ा बेसिकली जान लेते हैं। जैसे कि WHRB का मतलब जैसे होता है कि एक ऐसा बॉयलर होता है जहां पर मान लीजिए कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई सीमेंट प्लांट है, तो जहां पर इसका सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है तो वहां पर ह्यूज अमाउंट में फ्लू गैस का जनरेशन होता है, यानी वेस्ट हीट का जनरेशन होता है। इस वेस्ट हीट को हम लोग डायरेक्टली एटमोसफेयर में रिलीज नहीं कर सकते सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कम करने के लिए इस हीट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और इस हीट का हम लोग कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ताकि हम लोग एक यूजफुल एनर्जी के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकें, तो एक बॉयलर को हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। तो बॉयलर यदि बैठाते हैं तो वहाँ पर बॉयलर में हमारा क्या काम होता है कि बॉयलर में हमारा स्टीम जनरेट हो, और वो स्टीम जनरेट करने के लिए हमें हीट चाहिए, चाहे हीट वो किसी के भी फॉर्म में हो। तो वो जो वेस्ट हीट होता है उसको उस बॉयलर में लिया जाता है और फिर वहाँ पर उसका यूटिलाइज करके स्टीम जनरेट किया जाता है और फिर उस स्टीम का जो उपयोग है वो किसी प्रोसेस वर्क के लिए हो जाए या किसी स्टीम टर्बाइन को चलाने के लिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए होता है वेस्ट। अब दूसरे के बारे में बात करें, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। तो देखिए, WHRB सिर्फ एक बॉयलर को बता रहा है, ठीक है, लेकिन WHRS, ठीक है, WHRS क्या बता रहा है कि ये एक तरह का पूरा वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम है। यानी कोई भी प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, जहाँ कहीं पर भी अगर वेस्ट हीट जनरेट हो रहा है ना, तो उस वेस्ट हीट को हम लोग कैसे एक यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस हीट को रिकवर करके, उस सिस्टम को कहा जाता है वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में बहुत कुछ आ सकते हैं, इस सिस्टम में कोई भी हीट एक्सचेंजर आ सकता है, इवन आपका जो WHRB होता है वो इसी सिस्टम के अंदर आता है। तो ये WHRS जो होता है वो एक तरह का पूरा सिस्टम है, और WHRB जो होता है वो एक तरह का इसी सिस्टम का एक पार्ट होता है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हीट रिकवरी यानी ये भी हीट को रिकवर करेगा, जहां कहीं भी हीट अगर जनरेट हो रहा, वेस्ट हीट अगर जनरेट हो रहा तो उस हीट को रिकवर करने के लिए, और स्टीम जनरेटर यानी कि ये स्टीम को जनरेट करेगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन के तौर पर इसका नाम रखा गया है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। बेसिकली इसका यूज होता है जैसे जहां पर गैस टर्बाइन होते हैं, तो गैस टर्बाइन में जो उसका वेस्ट हीट जो निकलता है जिसका टेम्परेचर लगभग 400 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तो उस हीट को हम डायरेक्टली वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस हीट को यूटिलाइजेशन करने के लिए वहां पर भी एक बॉयलर बैठा दिया जाता है, जिस सिस्टम को, जिस डिवाइस को कहा जाता है जनरली आपका HRSG यानी कि हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, ठीक है। तो ये आपका जनरली आपका गैस टरबाइन में यूज किया जाता है। ये इसकी बेसिक इन तीनों में बातें हो गई। बाकी अब हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे एक कॉलम में यहाँ पे जैसे फीचर्स लिखा है जिसमें हमने कैटेगराइज कर दिया गया है कि इसके तौर पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसमें पहला जो है वो WHRB, दूसरा WHRS और HRSG हो गया, ठीक है। पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ पहले हम लोग समझते हैं कि इन तीनों में क्या पर्पज़ में डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए, पर्पज़ में आपका जैसे कि हीट रिकवरी सिस्टम है, ओके, रिकवर हीट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर स्टीम जनरेशन यानी कि कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री है वहाँ पे जो वेस्ट हीट जनरेट हो रहा है वो उस हीट को लेकर स्टीम को जनरेट करेगा, ठीक है। ये चाहे वो स्टील प्लांट हो या सीमेंट प्लांट हो या कोई अदर प्लांट हो, ओके। अब WHRS में क्या है, तो ये जनरल वेस्ट हीट रिकवरी
फॉर वेरियस यूजेस, ठीक है। ये तो ये कहीं पर भी अगर वेस्ट जनरेट हो रहा तो उसका यूटिलाइज करके वो एक यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है, तो उस पूरे सिस्टम को WHRS कहते हैं। तो ये इसका पर्पज होता है। HRSG का क्या पर्पज है? तो रिकवर हीट फ्रॉम गैस टर्बाइन इन पावर प्लांट टू जनरेट स्टीम, यानी कि ये जो गैस टर्बाइन से जो हीट आता है उसको यूटिलाइज करके स्टीम को जनरेट करता है, ठीक है। देखिए तीनों को लगभग जो काम है, यहाँ पर भी WHRB में स्टीम ही जनरेट हो रहा है, लेकिन ये आपके अदर इंडस्ट्री में जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सब में, लेकिन स्पेशली अगर जब गैस टर्बाइन की बात आ जाएगी वहाँ पर हम लोग इसको HRSG कह देते हैं। और इस पूरा जब इस सिस्टम का बात करेंगे तो वो आपका WHRS होता है। ओके, तो ये पर्पज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है। तो इसका जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे आपका सीमेंट प्लांट, आपका स्टील प्लांट, ये सब में इसका यूज होता है, जहां पर ह्यूज अमाउंट में आपका वेस्ट हीट जनरेट होता है, तो उस हीट को यूटिलाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इसका वेरियस इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, इवन आपका जो मरीन टाइप के भी जो होते हैं, ठीक है, तो वो भी मरीन में भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, जहाँ पर जो वेस्ट हीट जनरेट होते हैं उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए। ओके, और इसका जो है कि जहाँ पर जैसे गैस टरबाइन होता है, यानी कि जहाँ पर इसको उस प्लांट को हम लोग कहते हैं कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, यानी कि एक गैस टरबाइन होगा, गैस टरबाइन से जो पावर जनरेट होगा और जो वेस्ट हीट जनरेट होगा, फिर उसको एक बॉयलर में लिया जाएगा, यानी कि HRSG में लिया जाएगा, और HRSG में जो स्टीम जनरेट होगा फिर से उसको एक जो स्टीम जनरेट होगा फिर से उसको एक स्टीम टरबाइन में लेकर वहाँ से भी पावर जनरेट होगा, यानी कि आपके कंबाइंड साइकिल यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। एक पहले बन रहा और फिर एक स्टीम को जनरेट करके फिर दूसरे टरबाइन से भी पावर जनरेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या रहता है? तो इसका जनरली जो कंपोनेंट है वो बॉयलर है। ओके, और इसका जो होता है सिस्टम विद वेरियस कंपोनेंट, इसमें बहुत तरह के कंपोनेंट आ जाएंगे, चाहे वो हीट किसी भी तरह का हीट एक्सचेंजर हो, ठीक है, हीट पाइप हो, हीट व्हील हो, ठीक है, कोई रेक्यूपरेटर हो, तो ये सभी जो होते हैं वो इस सिस्टम का ही पार्ट्स होता है। ओके, इवन अब जो बॉयलर होता है वो भी, ठीक है, जैसे WHRB जो होता है वो इसी के अंडर ही आता है। अगर आपका इसमें HRSG में बात करें तो स्पेशलाइज्ड स्टीम जनरेटर, ठीक है, तो ये जो जैसे कि मैंने बताया कि जो गैस टरबाइन होते हैं वहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है HRSG का, ठीक है, स्पेशली तौर पे। आउटपुट क्या है? स्टीम फॉर हीटिंग या पावर, जो यहाँ पर जो हम बॉयलर यूज कर रहे हैं तो इसका हमें स्टीम मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट के तौर पे, और या तो इसका यूज हम लोग हीटिंग के लिए कर रहे हैं या किसी पावर जनरेशन के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्टीम जनरेट ही करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें कोई आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टीम टू ड्राइव स्टीम टर्बाइन टर्बाइन इन पावर प्लांट, तो इस यहाँ पर भी जो स्टीम जनरेट होगा इसको हम लोग टर्बाइन चलाने के लिए करेंगे ताकि पावर जनरेट हो सके। ओके, अब यहाँ पर ये हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंस इन सभी में क्या है कैरेक्टराइज करके हम लोग देख लिए। अब देखिए थोड़ा सा ये एक डायग्राम के तौर पे भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये आपका एक WHRB हो गया, ठीक है, WHRB वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप का यहाँ पर बॉयलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम एक WHRS के बारे में बात करें, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम के बारे में, तो इसमें कई तरह के हीट एक्सचेंजर आ सकते हैं, इवन आपका जो WHRB जो है वो भी आ सकता है। तो देखिए सिंपल सा एक हीट एक्सचेंजर है जहाँ पे फ्लू गैस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर करके जो हमारा या तो हॉट वाटर जनरेट करें या स्टीम जनरेट करें, तो ये WHRS हो गया। और यहाँ पर जो हम लोग HRSG समझे, तो देखिए जैसे कि ये गैस टर्बाइन है, तो गैस टर्बाइन में जो पावर प्रोड्यूस हुआ और जो वेस्ट हीट निकला वो फिर एक बॉयलर में गया, वहाँ पर वो फिर अपना हीट को एक्सचेंज करने के बाद स्टीम जनरेट किया, और स्टीम जनरेट होकर फिर यहाँ पर आया और फिर यहाँ पे आपका पावर जो है वो जनरेट हुआ, ठीक है, और फिर ये इस तरह से रिसाइकिल होते रहता है। तो इस तरह से आपका जो HRSG जो है वो वर्क करता है। तो आई होप कि HRSG हो, चाहे WHRB हो या WHRS हो, इन तीनों में क्या डिफरेंस है आप सभी का क्लियर हुआ होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।